बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा जहूर बुलेदी ने कहा है कि वजीर आला जाम कमाल अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा रकीन है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दो हफ्ते पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की, आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वो पूरे एतमाद भी हैं, आपके साथ अराकीन भी 14 हैं, 65 का हाउस है, आपकी तो तादाद भी पूरी नहीं है, तो कैसे हटा लेंगे आप उन्हें? जाम साहब के पास तकरीबन कोई 26 मेंबर्स हैं कोएलिशन के साथ मिला के। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं 12 अराकीन उनसे नाराज़ हैं, और जो कोएलिशन पार्टनर्स में भी हमारे साथ जो हैं 3 हैं, टोटल हम 15 लोग हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मूव आ रही है तो अपोजिशन तो साथ देगी, क्योंकि अपोजिशन के साथ जो इसका रवैया था 3 सालों में, उनको जेलों में बंद किया, उनके खिलाफ बख्तर बंद गाड़ियाँ चढ़ा दी और एक पूरे दुनिया पाकिस्तान में एक तमाशा बना दिया सुबह असम्बली को, तो वो तो जाम कमाल को किसी सूरत में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस हवाले से हमारे तकरीबन कोई 40-45 बंदे जो हैं जाम कमाल के खिलाफ हो गए हैं। सिर्फ अपोजिशन से ही रबते किए या कहीं और भी किए हैं? क्योंकि जाहिर है आपकी पार्टी एक खास हालात में बनाई गई थी, खुद नहीं बन गई थी, तो क्या खुद से ही टूट जाएगी, कोई और रबते या ऐसी बात हुई है? प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हमें इसमें जो है सालसी का किरदार अदा करना चाहें तो वो कर लें, क्योंकि वो हमारे सूबे में भी कोएलिशन पार्टनर्स हैं और हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं या फेडरेशन में भी जो है पार्टनर हैं, तो उस हवाले से उनका रोल बनता है। अगर वो इस मामले को जो है अफहाम और तफहीम से हल करना चाहें और जाम कमाल साहब से अगर वो कह दें कि जी आपके कोएलिशन पार्टनर्स या जो है आपकी अपनी पार्टी आपके खिलाफ है, तो उनको मशवरा दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा किसी और के साथ कोई रब्ता नहीं है। बलूचिस्तान में जो भी हक की आवाज़ उठाता है, कोई स्टूडेंट हो या टीचर हो या जो है कोई और मुलाजिम हो, डॉक्टर हो, सबको पुलिस के जरिए डंडे पड़ते हैं। तो हम लोग आम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हमने अपने हलकों में जाना है। जो इस बैड गवर्नेंस का जो है असर है वो हमें डेफिनेटली असर करेगी। अब करें 3.25 साल में बलूचिस्तान हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है आवाम के मसाइल हल करने में और उसकी बहुत बुरी गवर्नेंस रही है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं और मैं साबित भी कर सकता हूं। देखें बलूचिस्तान का मामला क्या है, बलूचिस्तान का मसला तो सियासी है। जब आप सियासत से हट के एक ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में हुकूमत चलाएंगे, अपने आप को एक मैनेजर बना के रखेंगे, तो देखें फिर हुकूमत नहीं चलेगी, फिर मसाइल जन्म लेंगे। और नाकाम हो गई आपकी अदम एतमाद तो फिर क्या होगा? 15 लोग हमारे हैं, 24 अपोजिशन के हैं और जाम साहब के पास सिर्फ जो है 26 लोग हैं, और वो भी देखिए पार्टी हमारे साथ है, हम उनके साथ पास भी जाएंगे, हम पीटीआई के पास भी जाएंगे, हम जो है एचडीपी के पास जाएंगे, हम एनपी के पास जाएंगे। उनका इत्तेहाद जाम कमाल से नहीं था, उनका इत्तेहाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ था और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 80% लोग हमारे साथ हैं।